अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। नवी मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नई और सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उद्यान और बाजारों के लिए यह नई नियमावली जारी की। इसमें शॉपिंग मॉल्स और भीड़ वाले ठिकानों पर एंटीजन टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। बिना निगेटिव रिपोर्ट के मॉल्स में प्रवेश देना वर्जित है। इसकी अवहेलना करने पर शॉपिंग मॉल्स के खिलाफ 50,000 की पेनाल्टी के साथ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते कोरोना से घबराई महानगर पालिका ने अब ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए नागरिकों से इसके पालन का आह्वान किया। नई गाइडलाइंस में सबसे ज्यादा जोर शॉपिंग मॉल्स और उद्यानों पर दिया गया है। गाइडलाइंस में साफ कहा है कि शॉपिंग मॉल में घुसने से पहले एंट्री पॉइंट पर कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को शाम 4 बजे के बाद, जबकि शनिवार एवं रविवार के दिन पूरे दिन मॉल्स में आने वालों का एंटीजन टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आई तो ही एंट्री मिलेगी। ऐसे आगंतुक जिनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे पहले निगेटिव आई है, वे सर्टिफिकेट दिखाकर मॉल्स में प्रवेश कर सकेंगे। इन सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी और 50,000 का दंड भी वसूला जाएगा। 2 बार गलती के बाद भी यदि 3री बार शॉपिंग मॉल्स गाइडलाइन की अवहेलना करता है तो मनपा मॉल्स को पूरी तरह बंद करवा सकती है। वहीं शहर के उद्यान सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे और शाम को पूरी तरह से बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजार पूर्ववर्ती निर्देशों के साथ चालू रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।